हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे आपका 2018 में आपका सीडीपी का सेक्शन यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के सेक्शन से किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए थे दिसंबर में, उसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहेगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हो डीके गुप्ता ऑनलाइन वीडियोज फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षाओं के माहौल की आवश्यकता होती है जो, तो देखो यहां पर क्या बोल रखा है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के यानी कि जिनका आसपास का वातावरण, जिन जो बच्चे पिछड़े वर्ग के होते हैं, वो उस प्रकार के बच्चे आपकी कक्षा के अंदर आए हुए हैं, उन्होंने प्रवेश लिया है, तो उनको किस प्रकार का कक्षा का माहौल की आवश्यकता होती है। पहला, उनकी भाषा के उपयोग को उत्साहित करना ताकि वह मुख्य धारा की भाषा सीख सकें। दूसरा, बच्चों की उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करना। तीसरा, उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, या फिर नेक्स्ट आपका, उनके सांस्कृतिक और भाषकीय ज्ञान को महत्व देते हैं तथा उनका उपयोग करता है। तो देखो, जो आपका पहला ऑप्शन तो यहाँ पर बिल्कुल ही गलत होगा कि उनकी जो भाषा होगी उसको क्या लेना है, हमें उत्साहित करना है, मतलब उसको धिक्कारना है, नेगेटिविटी लेनी है। ये पहला ऑप्शन तो आप हटाई दो। दूसरा व्यवहार है, उनकी क्षमताओं के आधार पर उसको क्या करना है, वर्गीकृत करना है कि ये अच्छा बच्चा है, ये थोड़ा कम है, ये उससे ज़्यादा है। इस प्रकार से कभी भी आपकी क्लास में जब आपको समावेशी शिक्षा होती है या नॉर्मल भी शिक्षा होती है, तब ऐसे वर्गीकृत बच्चों को नहीं किया जा सकता। या फिर तीसरा, उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है। अब किस प्रकार से अच्छा व्यवहार सिखाता है, आपको तो माहौल प्रदान करना है ना, तो थर्ड भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका बिल्कुल सही आंसर था आपका, कि उनकी सांस्कृतिक और भाषा ज्ञान को महत्व देता है, मतलब उसकी जो संस्कृति होगी, उसके जो भाषा ज्ञान वो सीखकर आया है विद्यालय में, उसको आपको महत्व देना है, और तथा उसके साथ उसका उपयोग करते हुए नई शिक्षा प्रदान में उसकी क्या लेनी है, आपकी उसकी भाषा की सहायता लेनी है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। तो ध्यान रखिए क्या बोल रखा है, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप क्या है। पहला, उनके प्रति स्नेह होने के नाते पर। तीसरा, दूसरा, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। तीसरा, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देश तरीकों का उपयोग पर। या चौथा, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर। तो ध्यान रखिएगा किन बच्चों की बात करी जा रही है, वो बच्चे जो सृजनात्मक हो और साथ में प्रतिभाशाली बच्चे भी हो, तो उसका किस प्रकार से हस्तक्षेप करना चाहिए आपका। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर होगा आपका, कि शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देश तरीकों के उपयोग पर, मतलब आपकी क्लास में जो बच्चे हैं, आपके सृजनात्मक बच्चे हों या प्रतिभाशाली बच्चे हों, उनके उन्हीं के अनुसार, जिस अनुसार वो सीख रहे हैं, जिस अनुसार वह पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया में अपने आप को एनहेंस कर रहे हैं, उसी के अनुकूलता के अनुसार हमें उन्हें क्या करना है, उत्प्रेरक करना है या फिर निर्देश देने हैं। क्यों? क्योंकि एक टीचर का काम क्या होता है, एक फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करता है वो। ओके, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयोगी या उपयोग तरीका नहीं है। तो कैसे बच्चे हैं आपके, अति संवेदनशील बच्चे हैं, तो उनको सीखने में मदद करने के लिए इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उनके दैनिक कार्यक्रमों में शारीरिक गतिविधियों का समावेशन। दूसरा, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। तीसरा, एक कार्य को छोड़े प्रतिबंधनीय खंडों में तोड़ना, या फिर अधिगम के वैकल्पिक तरीकों का पेशकश करना आपका। तो सही आंसर क्या होगा इसका, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, इस प्रकार की चीजों का तरीका का हमें नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको फटकार लगाना, डांटना, शारीरिक उत्पीड़न करना, मानसिक उत्पीड़न करना, इस प्रकार की किसी भी चीज को हमें प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए अपनी कक्षा में। और वैसे भी बच्चे कैसे हैं, अति जिज्ञासु हैं, अति संवेदनशील बच्चे हैं, तो उन बच्चों को तो वैसे भी आपको नहीं करना चाहिए। ओके, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो, ध्यान रखिएगा क्या बोल रखा है, अलग अलग सोच पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो सृजनात्मक,
प्रत्यक्षार्थी, विकलांग या एक लक्ष्य। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, सृजनात्मकता की। क्यों? क्योंकि देखो सृजनात्मकता जो होती है वो वह मानव योग्यता है आपकी जिसके द्वारा क्या कर सकता है, नवीन जो रचनाएं करता है, विचार प्रस्तुत करता है। मतलब आप कह सकते हो कि सृजनात्मक कुछ नई या फिर कुछ नई सोच या फिर निर्मित चीजों का करने के लिए क्या करा जाता है, सृजनात्मक बालक का अलग अलग सोच रखने पर कार्य करा जाता है। तो वही क्या कर रहा है, अलग अलग सोच रखने वाले पैटर्नों पर। तो सृजनात्मक बच्चा ही जो होता है जिसकी सोच कभी रुकते ही नहीं है, अलग अलग पैटर्नों के द्वारा सोचता है, प्रस्तुत करता है, बनाता है, निर्मित करता है, इसलिए उस बच्चे की पहचान क्या होती है, सृजनात्मकता के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने का तरीका का वर्णन नहीं कर सकता। तो इनमें से कौन सा तरीका होगा, पहला सोच विचार परीक्षण और बच्चे उत्तर जैसे शब्द वाली का प्रयोग करना। देखो सोच विचार परीक्षण और बच्चे उत्तर, देखो यहां पर क्या करा जा रहा है, सोच भी है, विचार भी है, परीक्षण भी है और बच्चे उत्तर भी है और साथ में वहां पर शब्द वाले भी। अब यहां पर शब्द वाली का आप ये मत समझिएगा परिभाषाओं को रटना या याद करना। ओके, तो ये तो आपका बिल्कुल सही है क्योंकि तथ्य वितथ के सहारे में, तर्क वितर्क करने के सहारे में या फिर खुद करने के ऊपर बात करी जा रही है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो इसका बिल्कुल सही है और हमें क्या करना है, नहीं कर रहा है वो ढूंढना है। दूसरा, अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न पूछना। अब देखो अभिसरण क्या होते हैं, तो आपके वो प्रश्न होते हैं जिसका एक फिक्स आंसर होता है, रटा रटाया आंसर होता है, उस प्रकार के प्रश्न को पूछना। तो इस प्रकार के अगर आप प्रश्न पूछोगे तो समस्या हल करने के लिए या बच्चों में सृजनात्मकता या रचनात्मकता का विकास नहीं कर पाओगे। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका हो सकता है आंसर, बाकी और देखते हैं। किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रिया पर चर्चा करना, बिल्कुल सही बात है। समस्या जब हल करते हो उसके बारे में आप चर्चा विचर्चा करते हो तो बच्चों को क्या कर रहे हो, आप अपनी क्रिया के अनुसार या बच्चों को प्रतिक्रिया के साथ अपने क्या कर रहे हैं, वहां पर सक्रियता भाग ले रहे हैं। दूसरा, कुछ या फिर नेक्स्ट कुछ हल करते समय गलतियों को करने पर प्रति ईमानदारी रखना। मतलब आपने कुछ गलती करी है तो आप उसे एक्सेप्ट भी करोगे। तो कई बार आपने देखा होगा टीचर जब कुछ बता रहा होता है तो कई बार बाय मिस्टेक गलत भी बता देता है, तो उसको आप ये नहीं कह सकते कि हाँ नहीं मेरा सही है, आप उसको हड़का नहीं सकते। वहां पर आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करोगे और उसको सुधार करोगे। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही इसका गलत आंसर था कि रटा रटाया जो के अभिसरण वाले प्रश्न होते हैं उसका उत्तर नहीं पूछना चाहिए कक्षा में। हमेशा में आपको उस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए जो चिंतन का, तर्क का, वितर्क का आपका क्या करे, एनहेंस करे, उसको बढ़ाने की कोशिश करे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है। अब ध्यान रखिएगा, आप सभी को पता है संवेग का मतलब यहां पर क्या होता है, तो संवेग आपका वो होता है जो आपकी भावनात्मक रूप से जुड़ा रहता है। ओके, तो ध्यान, उत्तेजना, स्मृति या डर। तो भावना कैसी होती है आपकी, डर से रिलेटेड होती है। जैसे कि आपने देखा होगा आपकी ऐसी चीज जैसे कि आपकी डर हो गया या फिर किसी के ऊपर आपका क्या ईमानदारी दिखानी हो गई या किसी के प्रति संवेदनशील हो गए, इस प्रकार की चीजें क्या होती हैं आपकी, इस प्रकार की चीजें आपके से रिलेटेड भावनात्मक दृष्टि रखती है। तो संवेग उसी को ही कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है। तो बच्चे ने क्या करा है, देखा जाकर दूध की दुकान पर, जब वो दूध लेने जाता है तो वो दूध कैसे मिलता है, एक मशीन लगी रहती होगी, देखा होगा आपने स्टील की, वो स्टील की मशीन के द्वारा दूध मिलता है। तो उस बच्चे का सोच क्या है कि जो दूध बनाती है, जो दूध देती है, वो क्या देता है, वो मशीन के द्वारा दूध का उत्पादन होता है, उस बच्चे की यह समझ है। तो इस प्रकार के स्पष्टीकरण को आप किस प्रकार से समझने की कोशिश करोगे, पहला बच्चे ने गाय को कभी नहीं देखा, दूसरा बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता, तीसरा बच्चे को दुनिया को का बहुत सीमित अनुवरण यानी कि ज्ञान है, और लास्ट आपका बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित था। तो ध्यान रखिएगा, जो बच्चे ने अपना अनुभव करा है, मतलब उसने कभी अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में जब तक वो जी रहा है, उसने कभी गाय को दूध देते हुए, भैंस को दूध देते हुए नहीं देखा होगा। उसने हमेशा शहर में रहने के कारण की वजह से वो दूध बूथ पे जाता है और मशीन से दूध निकाल के लाता है। तो उसने अपना आंसर कैसे दिया, अपने अनुभव के अनुसार पे दिया है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका बिल्कुल सही आंसर होगा कि बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव के अनुसार पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो इनमें से ऐसा कौन सा है जो शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करेगा, पहला
पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। दूसरा, आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। तीसरा, कक्षा के शिक्षक के सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना, या फिर लास्ट, एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, जो आपकी शिक्षक की मेन भूमिका होती है वो क्या होती है, तो वो बच्चों को आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ में इंटरेक्ट करके सीखने सिखाने का मौका देना ही क्या कहलाता है, अच्छा शिक्षक की भूमिका कहलाती है। तो यहाँ पर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर होगा कि आराम के लिए जगह बनाना। आराम के लिए जगह बनाने का तात्पर्य यहाँ पर ये नहीं है कि शिक्षक आराम से वहाँ पर पैर फैला के सोता रहेगा, नहीं, आराम के लिए जगह बनाने का कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है जहाँ पर बच्चे को ऐसा वातावरण मिले कि वो पूरा कंफर्टेबल होकर शिक्षक में क्या कर सके, आराम से भाग ले सके। और आगे आपका सॉल्व करके बता भी रखा है कि जहां बच्चे संवाद मतलब एक दूसरे से बात करके, प्रतिक्रिया करके, एक दूसरे से पूछताछ करके अपने माध्यम से यानी ये खुद सीखते हैं, और वही आपका क्या होता है, अच्छा वर्णन करता है एक शिक्षक के रूप में। क्योंकि शिक्षक का काम क्या है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सक्रिय भाग लेना अपने सीखने सिखाने की प्रक्रिया में। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? तो इनमें से कौन सी ऐसी शिक्षा है जो समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? पहला, अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाता है। तो ये तो आपका बिल्कुल भी गलत होगा कि आपकी पुस्तक होगी या फिर आपके खेलने खिलाने की जो फुटबॉल बैट्स वगैरह होती है अलमारी में अच्छे तरीके से रख रखें और हफ्ता में केवल एक बार ही निकाला जाता है। नहीं, आपके रोजाना निकालने के साथ साथ में नहीं निकल रहे हैं, तो कम से कम इतना तो निकाले जितना बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया में एड ऑन किया जा सके, मतलब उनको अच्छे तरीके से समझाया जा सके। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो हटाई दो। नेक्स्ट है, पाठ्यपुस्तक सामग्री द्वारा संचालित या संरचित और योजनाबंद अधिगम वाली कक्षा। तो यहां पर देखो क्या बोल रखा है, पाठ्यक्रम सामग्री द्वारा संचालित, यानी कि सारी चीजें पाठ्य पुस्तक के ऊपर डिपेंड कर रही है। ओके, बाकी और चीजों के बाद में नहीं कर रही है, केवल पाठ्य पुस्तक जो दिया गया उसी पर संचालित या फिर उसी के अनुसार योजनाबंद अधिगम वाली कक्षा के ऊपर जोर दिया जा रहा है। नहीं, आपकी कक्षा के साथ साथ में जो पाठ्य पुस्तक इस्तेमाल करी जाती है उससे बाहर निकल के भी सोचना होता है, उससे बाहर निकल के भी बच्चों को समझाया जाता है। नेक्स्ट है, वह कक्षा जिसमें प्रदर्शनी में विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों के पहुंच से परे हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। अब यहाँ पर क्या बोल रखा है कि सामग्री आपकी ऐसी हो जो बच्चे की पहुंच से दूर हो। फॉर एग्जांपल, आपकी लाइब्रेरी पुस्तक रखी हुई है, बच्चों के पहुंच से दूर होगी तो किताबें क्या होंगी, कोई छुएगा नहीं तो फटेंगी नहीं, पुरानी नहीं होगी और लंबे समय तक चलेगी। इस बारे में बात करी जा रही है, ऐसा तो कभी भी नहीं होना चाहिए। और लास्ट है आपका, और वही आपका बचा तो वही सही आंसर हो सकता है, क्या बोल रखा है, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कौन न हो और विभिन्न प्रकार की बाल साहित्य खुली तक मतलब शेल्फ में रखी हो जो दिन के किसी भी समय प्राप्त की जा सके। ये आपका आंसर बिल्कुल सही है, हर प्रकार की चीज़ों की गतिविधि करी गई और साथ साथ में बाल साहित्य के ऊपर भी बात करी गई है, जो कि आपका क्या होती है, आठवीं क्लास तक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, जो कि एक अच्छे तरीके से शेल्फ में रखी गई है और दिन के किसी भी समय पर प्राप्त की जा सकती है जब उसको आवश्यकता हो उस चीज़ की। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्यपुस्तक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पहला, वह अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। दूसरा, वह संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक गति या फिर अधिगम संसाधन बनाते हैं। दूसरा, वह कक्षा में उपलब्ध संसाधन को संदर्भ सामग्री में से एक है। या फिर चौथा, वह एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हैं। तो सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर होगा कि वह कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। यानी कि देखो यहाँ पर क्या बोल रखा है, कक्षा कक्ष में पाठ्य पुस्तक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन क्या है, मतलब आपकी जो बुक्स है उसका सबसे अच्छा वर्णन क्या है, तो वो क्या है, आपकी कक्षा में एक उपलब्ध संसाधन है, मतलब आपकी कक्षा में हमेशा उपलब्ध रहती है जो आपको सीखने सिखाने की प्रक्रिया में क्या करती है, आपकी मदद करती है। और उसी के साथ साथ में आपकी क्या है, वो एक तरीके से एक रचनात्मक सृजनात्मक संसाधन की सामग्री के रूप में भी कार्य करेगी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर वर्ग 2005 मतलब एनसीएफ 2005 के बारे में बात करी गई है और मैंने आपको अच्छे तरीके से 2005 को बताया था, क्या बोल रखा है, ने
अपनी समझ डैश से प्राप्त की है। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर 2005 ने किस चीज से समझ प्राप्त करी है? अपने रचनावाद से, संज्ञानात्मक सिद्धांत से, मानवतावाद से या व्यवहारवाद से? तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय पाठ्यचर रूपरेखा जो होती है 2005, वो सीखने को लेकर कहां पर आपका रचनावादी नजरिए में समर्थन करता है, मतलब ऐसी चीजें जो बच्चा खुद करे, आपस में इंटरेक्ट करके करे और ज्यादा से ज्यादा प्रक्रिया कैसी हो, करके सीखने के ऊपर डिपेंडेंट हो। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि? तो ध्यान रखिएगा, अगर कक्षा में है तो बच्चे प्रेरित यानी कि जिज्ञासु है या फिर उसके प्रति आप सक्रिय हैं या नहीं है, तब समझा जा सकता है जब वह सभी उपस्थिति में नियमित हो, या फिर वह शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हो, या फिर वह अच्छी तरह से वर्दी पहनकर स्कूल आते हो, या फिर वह कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका देखते ही सही लगा लेना चाहिए था कि वो सक्रिय रूप से शिक्षक के साथ स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए क्या करते हो, प्रश्न पूछते हैं, जहाँ पर उनको समझ में नहीं आता, सीखने में नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, कुछ मैं आपको सिखा रहा हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप बीच में से उठकर मुझसे पूछोगे ना कि सर हाँ मुझे यहाँ पर नहीं आ रहा, तो वहाँ पर तभी पूछोगे जब आप क्लास में क्या रहोगे, सक्रिय रहोगे, प्रेरित होगे, उस चीज को सीखने सिखाने की प्रक्रिया में जुड़े हुए हो। तो नहीं जुड़े हुए तो आपको किस प्रकार का डाउट, कोई भी डाउट नहीं होगा, आप आराम से पढ़ा रहा है, आप आराम से शांत बैठे हो। ओके, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? तो कौन सा है? पहला, कक्षा में सभी प्रकार के शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। दूसरा, शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थिति पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने का मौका देना चाहिए। तीसरा, नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। या चौथा, शिक्षक को विविध वर्णों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्यान करनी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, तीन तीन लिख दिया दोनों में, लेकिन आपका ध्यान रखिएगा दूसरा आपका सही ऑप्शन होगा कि आपको शिक्षक जो होगा उसको आपको वास्तविक जीवन की स्थिति में बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने का मतलब यहाँ पर यह नहीं है कि गप्पे लड़ाने के लिए, बातचीत करने का मतलब ये है कि एक दूसरे की सीखने सिखाने की प्रक्रिया में एड ऑन करके अंतर क्रिया करें, एक दूसरे से वार्तालाप करें, एक दूसरे से शिक्षण प्रगति में जो उसकी गलतियाँ हों वो उसको बताए, या फिर जो उसको सुधार करना हो एक दूसरे की मदद से कर सकें। तो उस प्रकार के वास्तविक जीवन में आपको स्थिति उत्पन्न करनी है, मतलब सीखने सिखाने के आपको अवसर प्रदान करने हैं बच्चों को। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? तो आपका जो अनुशासन होगा जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है, वो किस प्रकार मदद करता है? शिक्षकों को निर्देश देने में, बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने में, दूसरा तो आपको हटाई दो यहाँ से, कभी भी रटने वटने पर कभी भी जोर नहीं दिया जाता है, तीसरा बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटरिंग करने के लिए, या फिर चुप्पी साध के रहने के लिए, चौथा भी हटा दो, दूसरा और चौथा तो आपका हट ही गया, पहला आपका शिक्षकों को निर्देश देने के लिए, मतलब जो आपके क्या करा जाता है, आपको निर्देश देना है क्या नहीं है, इस प्रकार की चीज़। तो देखो, अनुशासन जो होता है वो निर्देश देने के साथ में वो सीखने सिखाने की प्रक्रिया में भी हिस्से लेने के लिए, उसको सक्रिय भागीदारिता करने के लिए, करके सीखने के ऊपर भी डिपेंड किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी हट गया। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर था कि बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित, मतलब सही तरीके से सीखने में, सही तरीके से वर्गीकृत करने में, और उसके साथ साथ में उसका मॉनिटरिंग, मतलब आकलन करने में कि उसने क्या सीखा है, कितना सीखा है, इस चीज की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चों को किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। या दूसरा, पर्यावरण केवल बच्चों को या बच्चों के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो वैसे मैंने आपको बता रखा है कि केवल, किंतु नए, लेकिन परंतु वाले जो क्वेश्चन होते हैं, आंसर होते हैं, उसको 99.9% जो होगा वो आंसर कभी भी नहीं होगा। तो सेकंड तो इसका बिल्कुल ही गलत हो गया। तीसरा आपका, विकास के कुल पहलू अनुवांशिकता और कुछ अन्य महत्वपूर्ण से अधिक प्रभावित
होते हैं, यानी कि जो विकास के आपके जो पहलू होते हैं, जो आपकी हेरिडिटी से मतलब जो अनुवांशिकता से आपको प्राप्त होता है, वो औरों के कुछ अन्य महत्वपूर्ण से अधिक प्रभावित होते हैं। और लास्ट है आपका सीखना और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जा सकती है। तो क्वेश्चन समझने की बात करिए, समझिएगा कि अनुवांशिकता और पर्यावरण मतलब हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों के बारे में बात करी जा रही है, उसमें से कौन सा कथन इसका बिल्कुल सही माना जाएगा। तो देखो, आप देखते बता सकते हो या समझ में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट निभाइएगा कि विकास के कुछ पहलू अनुवांशिकता और कुछ अन्य महत्वपूर्ण के अधिक प्रभावित होते हैं। विकास मतलब जो आपके वातावरण से आपको मिल रहा है, जो आपको वातावरण से सीखने सिखाने की प्रक्रिया में आपका विकास हो रहा है, उसके साथ साथ में कुछ हद तक वो अनुवांशिकता पर यानी कि आपकी जो हेरिडिटी होती है उस पर भी वो कुछ प्रकार की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रभावित करता है। क्योंकि मैंने आपको जब पढ़ा रहा था दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करके, मैंने आपको बोला था कि कुछ हद तक ये एक दूसरे के ऊपर प्रभावित भी करते हैं और एक दूसरे के ऊपर निर्भर भी करते हैं। ओके, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर था। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आज की वीडियो में। बाकी बचे हुए 15 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करके इसको कंप्लीट कर लेंगे कि 2018 में किस प्रकार के 30 नंबर की आपकी CDP आई थी। तो अगर 15 नंबर जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताए हैं इनमें से कितने ठीक हुए हैं नीचे आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, ताकि आपका मुझे फीडबैक मिल सके। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे जाके वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अगर कोई आपका सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ में जो बेल आइकन होगा उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।